क्या रियाज को माफ कर चुके हैं आराधना। वेल दोस्तों, टीवी सीरियल बरसातक का न्यू ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कैसे अंगद और माया की शादी के दौरान आराधना और रियाज की नजदीकियां बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा आराधना मानवी के सामने बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से एक पल के लिए मानवी हैरान हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आराधना को अपनी सगी माँ का प्यार मिलेगा? साथ ही सवाल ये भी उठता है, क्या आराधना रियांस को माफ सब कुछ भुला के अब कर चुकी है? तो चलिए देखते हैं सीरियल बरसाते का अपकमिंग एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रियांस आराधना के लिए एक गिफ्ट स्टोर रूम में रखा रहता है, जिसे दिखाने के लिए आराधना को रियांस स्टोर रूम में लेके जाता है और आराधना इस गिफ्ट को देख के चौंक जाती है। आपको बता दें कि रियांस ने आराधना को गिफ्ट में कुछ और नहीं बल्कि अलका जिंदल ने जिस मूर्ति को चुराया था उसे ही आराधना को दिखाया है। आखिरकार आराधना ने जिंदल फैमिली को सबके सामने बेनकाब कर चुकी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ रेहान के हेल्प से। अब ये देखना बेहद मजेदार होगा कि क्या आराधना और रियांस एक बार फिर साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आराधना मानवी से माफी मांगती है शादी में हुए हंगामे की वजह से और बातों ही बातों में माया को आराधना अपनी छोटी बहन कह बुलाती है, जिसकी वजह से मानवी सुन एक पल के लिए हैरान हो जाती है। लेकिन बाद में आराधना से मानवी कहती है, मैंने तो तुम्हें कल ही माफ कर दिया था और हाँ, शादी में मैंने पहनने के लिए अपनी चारों बेटियों के लिए मैचिंग लहंगा बनवाया है। वहीं शादी के दौरान आराधना और रियांस एक साथ रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आने वाले हैं और एक बार फिर हम सभी को आराधना और रियांस का मीठी सी नोक झोंक देखने को मिलने वाला है। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या आराधना एक बार फिर रियांस को पसंद करने लगी है या अभी भी रियांस के लिए आराधना के दिल में वही नफरत की आग जल रही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपने फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।